हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें आपसे 10 दिमागी सवाल पूछे जाएंगे। दिमागी सवाल इन द सेंस, बीच में आएगी पहेलियाँ भी और आएंगे थोड़े जीके के क्वेश्चन भी। तो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो लोहे की कील को भी हजम कर सकता है? सजावे मगरमच्छ। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना मजबूत होता है कि वो लोहे की कील को भी हजम कर सकता है। दूसरा सवाल, जल का शुद्धतम रूप क्या है? मतलब आपको बताना है पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। सजावे जो बारिश का पानी होता है वही पानी का शुद्धतम रूप होता है। तीसरा सवाल है, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसके पास कोई भी आर्मी नहीं है? आर्मी। सही जवाब है आइसलैंड, एक ऐसा देश है। अब एक पहेली आसान है पर बहुत ही अच्छी है। मोटी सी खाल, शरबत की गली, चखने में मानो मिश्री की डली। सही जवाब है वाटरमेलन, तरबूज। पांचवा सवाल है, किस जीव की आंख खराब होने पर दूसरी आंख आ जाती है? सही जवाब है स्नेल। छठा सवाल है, ये भी इंटरेस्टिंग है, वह कौन सा देश है जहां सिर्फ 40 मिनट की ही रात होती है? वह देश है नॉर्वे। हाँ दोस्तों, नॉर्वे में मई से जुलाई के बीच 12:43 पर सूर्य छुपता है और महज 40 मिनट बाद ही सूर्य उग जाता है। आपको लग रहा होगा मैं कैसे बोल रहा हूँ, पर मैंने रैपिड माइंड की तरह बोलने की कोशिश करी थी। सातवां सवाल देख लेते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही जवाब है पोमोलॉजी। आठवां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सही जवाब है बरगढ़ का पेड़। अगली पहेली है, सूखे पत्तों में नक्शी जड़ी, सोने के रंग की रस से भरी। सही जवाब है रस भरी। अब आ गया है वो सवाल जिसका कई लोग इंतजार कर रहे होंगे। आपको एक इमेज दिख रही है 1, 3, 5, 2, 4 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, और मैं बता दूं कि 6 नहीं आएगा। तो आराम से सोचिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, दिमाग लगाइए कौन सा नंबर आ सकता है, या नंबर के अलावा भी कुछ आ सकता है क्या। तो आपके पास है इसके लिए 10 सेकेंड। सही जवाब है क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा आर। आर मतलब रिवर्स गियर, कोई नंबर नहीं आएगा इसमें, लोग नंबर में ही घुस जाते हैं। आप ये सवाल अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, आजकल ये खूब चल रहा है व्हाट्सएप पे भी। मैं देखता हूँ कई ग्रुप्स में शेयर करते हैं ऐसे क्वेश्चन लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।